गठबंधन के तहत एक हैं आप और कांग्रेस, पर चुनाव प्रचार दिख रहे अलग। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन भले ही हो गया हो, लेकिन चुनाव प्रचार में दोनों पार्टियां अलग अलग दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने हिस्से की 4 सीटों पर ही प्रचार कर रही है। कांग्रेस और आप दोनों दलों के बीच अभी तक संयुक्त प्रचार कार्यक्रम को लेकर भी कोई योजना नहीं बनी है। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन भले ही हो गया है, मगर चुनाव प्रचार अलग अलग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके मुद्दे भी अलग हैं। आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को प्रमुख चुनावी मुद्दा बना रही हैं और इस मुद्दे को लेकर घर घर जा रही हैं, मगर कांग्रेस के चुनाव प्रचार में ये मुद्दा प्रमुख नहीं है। सिर्फ 4 सीटों पर प्रचार कर रही आप। कांग्रेस ये तो मानती है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत हुई है, मगर कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बना रही है। दोनों दलों के बीच अभी तक संयुक्त प्रचार कार्यक्रम को लेकर भी कोई योजना नहीं बनी है। आप सिर्फ अपने हिस्से की 4 सीटों पर ही प्रचार कर रही हैं। अभी चुनाव प्रचार में जुटे हैं भाजपा और आपके प्रत्याशी। दिल्ली की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा के बाद उम्मीद की जा रही थी दिल्ली में चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा, मगर अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी चुनाव प्रचार के मैदान में भाजपा और आप ही है। भाजपा और आपके प्रत्याशी जुटे हैं। आपके सामने एक समस्या जरूर आ रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल गिरा है। यहाँ तक कि आपको चुनाव में चंदा देने वाले भी अब खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। गठबंधन के बैनर तले आप और कांग्रेस के चुनाव प्रचार की रणनीति अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि गठबंधन के समय इन दोनों दलों ने दावा किया था कि जल्द ही चुनाव प्रचार को लेकर संयुक्त टीम बनेगी और मिलकर प्रचार करेंगे। यहां तक कि रैलियां भी मिलकर करने की बात कही गई थी। आपने 7 सीट पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की थी। काफी प्रयास के बाद इस लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सका है। ये गठबंधन भी उस स्थिति में हुआ है जब आपने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने की घोषणा कर दी थी। ये भी कहा था कि प्रत्याशियों की घोषणा में देरी से हो रहे नुकसान के चलते अब और समय नहीं लिया जा सकता है। आपने कांग्रेस के लिए यहाँ तक कहा था कि INDI गठबंधन में है, इसलिए एक टिकट दे देंगे। आपने धीरे से ये बात कह दी थी कि अगर कांग्रेस गठबंधन में साथ आती है तो उसका इंतजार रहेगा। ये बात कांग्रेस की समझ में आई और इसके बाद जल्द ही दोनों के बीच गठबंधन हो गया, जिसमें दिल्ली की 4 सीटें आप और 3 सीटें कांग्रेस को मिली। चुनाव प्रचार के लिए आपका जल्द ही संयुक्त टीम गठित करने का दावा। आप अपने हिस्से की 4 सीटों पर कांग्रेस से पहले ही प्रत्याशी उतार चुकी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।